हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए, पिता का धन्यवाद करते हैं जो पिता ने हम सभी को जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। इसके लिए पिता का धन्यवाद देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे जो मर गए होंगे, जो अपने परिवारों से बिछड़ गए होंगे और एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे मेरे प्रभु, जहाँ की आग नहीं बुझती, जहाँ के कीड़े नहीं मरते। मेरे प्रिय भाई बहनों, पिता ने हम सभी को जिंदा रखा है, जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। इसके लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। मेरे प्रियजनों, ठीक है, यदि आप दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, अपनी शादियों को लेकर टूट चुके हैं, तो हमें किसी मनुष्य से नहीं बताना है। मनुष्य तो आपसे पाप करवाएगा। आप सभी को, हम सभी को जिंदा परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है, परमेश्वर के पास आने के सम्मुख आने की आवश्यकता है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे दुखों को, गरीबी को, आंसुओं को, बीमारी को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा मेरे प्रियजनों, ठीक है, यीशु मसीह ने कहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आँखों को बंद करेंगे, अपने घुटने टेक कर बैठ जाएंगे, पिता परमेश्वर से जो भी समस्याएं पिता से बताएंगे, अपने दुखों को, आंसुओं को पिता से शेयर करेंगे, ठीक है भैया। आँखों को बंद करेंगे, प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जयकार करते हैं मेरे प्रभु। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप परनिधि हैं, आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, आपसे नाव की यहोवा, आप सृष्टिकर्ता मालिक है मेरे पिता। आपके ना कोई तुल्यवार, ना कोई पाग, इस जगत में मेरे पिता मुर्दों को जिला, अंधों को दृष्टि देने को, ये पंजों को शुद्ध करने, यहोवा जिला और मेरे पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं। यीशु पापा, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे पिता, जो आपने हम सभी को मेरे प्रभु जीवितों के बीच में जीवित रखा, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा मेरे प्रभु। इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता, कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे, संसर्ग लोग होंगे जो मर गए होंगे पिता, और पिता व्यवस्था स्थान पर चले गए होंगे मेरे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती, जहाँ के कीड़े नहीं मरते। मेरे स्वामी, आपने सवचन के माध्यम से कहा मेरे प्रभु, जो आपने सभी को पिता जीवित रखा है, अपने पंखों के कारण में छिपा के रखा है पिता, इस संसार से चुन लिया है पिता परमेश्वर। पिता, इस संसार से चुन कर मेरे प्रभु आपने अलग कर दिया मेरे पिता। इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु पापा, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। यश, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा, सृष्टिकर्ता मालिक है मेरे प्रभु। हम आपका जितना भी धन्यवाद करें, आपकी जितनी भी तारीफ करें मेरे पिता, उतना ही कम है पिता, क्योंकि आप महिमा करने के योग्य हैं, तारीफ करने के योग्य हैं पिता, स्तुति करने के योग्य हैं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पूरे विश्वास के साथ पिता परमेश्वर। पिता, आपका वचन कहता है पिता, आप टूटे हुए मन वालों की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानते मेरे प्रभु। आपने वचन के माध्यम से कहा मेरे प्रभु। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते पिता, जो बीमार हैं पिता, जो बीमारी में ग्रस्त हैं मेरे पिता, जो तमाम इलाज दवाई करा चुके हैं मेरे प्रभु, फिर भी वे नहीं ठीक होते मेरे स्वामी। मेरे पिता, जो तमाम इलाज दवाइयाँ करा चुके हैं मेरे प्रभु, वे हार चुके हैं पिता, वे टूट चुके हैं पिता अपनी बीमारियों को लेकर मेरे प्रभु। मेरे पिता, तमाम इलाज करा चुके हैं पिता, किसी के पास मेरे पापा इतना पैसा नहीं है मेरे प्रभु कि वे अपना इलाज हॉस्पिटल में करा सके मेरे पिता। मेरे प्रभु, हम चाहते हैं मेरे पिता, हम आपके नाम से, आपके दास होने के नाते प्रभु, इनके जीवन में हम आदेश देते यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, वो लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं मेरे स्वामी, आपके नाम से पिता, ये चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम से। रसी प्रो चंगाई रामीन बोलकर यीशु मसीह के नाम से चंगाई उंडेल जी मेरे प्रभु, आपकी सामर्थ्य ब्लेसिंग छूने पाए 24 आवर्स। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, आप छूए मेरे पिता, आप साथ रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा मेरे पिता। आपने ऐसा वचन के माध्यम से कहा मेरे प्रभु, आपके वचन के अनुसार, के अनुसार मांगते पिता, आपके वचन के द्वारा हम आदेश देते हैं कि जीवन में पिता इनकी बीमारियाँ ठीक होने पाएँ, ये चंगे होने पाएँ। होली गोश पर, होली गोश पर, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। आमीन बोलकर रसीब करो चंगाई। परमेश्वर आपके जीवन में मिराकल करेगा, चमत्कार करेगा, बदलाव देगा आपके जीवन में मेरे पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक है। यीशु मसीह महान है, परमेश्वर के लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो उससे नहीं हो सकता है। असंभव को संभव करने वाला यहोवा जुलाओ रहे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। अपने बीमारियों को पिता से बताएंगे, ठीक है मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो गरीब हैं पिता, जो लाचार हैं पिता परमेश्वर, पिता जो कमाने रहे नहीं मेरे स्वामी मेरे पिता परमेश्वर, पिता पिता ये क्रिश्चियन नहीं जाते क्योंकि हाथ ना फैलने पाए मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है
मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से कहा, मेरे प्रभु हम आपके वचन के अनुसार मांगते पिता परमेश्वर, प्रभु इनके जीवन में मेरे पिता वो तंगी परेशानी दूर होने पाए, पिता गरीबी दूर होने पाए, मेरे शमी आपके नाम से मेरे प्रभु, मेरे पिता बहुत ही जातियों को उद्धार देने बन जाए मसीह के नाम से, पिता पिता अन्य जातियों का घर न फैलने पाए, पिता अपनी बेइज्जती अपने हाथों से ठट्टा में न करने पाए मेरे पिता, मेरे प्रभु इनके हाथ देने वाले बनाइए, ये बहुतेरी जाति को उधार देने बन जाए सुनाश्री के नाम से, वो सुर के झरोखे खुल जाए, बंद दासी से खुलने पाए, बंद दरवाजे खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगी वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मेरे प्रभु आपने वचन में कहा है मेरे पिता, हम आपके वचन के द्वारा पिता हम आदेश देते हैं मसीह भाई बहनों के जीवन में मेरे पिता, ये वचन मेरे प्रभु 100 गुणा फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार करते मेरे प्रभु, आपके ना कोई तुल्यवार ना कोई पाएगा इस जगत में मेरे पिता। मेरे प्रभु जो भी हमसे मसीह भवनों से पिता पाप गलती गुना हुए मेरे पिता माफ करे, क्षमा करे मेरे पिता, क्योंकि पिता हम मानव जात से मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता, उससे पाप हो सकते हैं पिता, वो गुनाहों में गिर सकता है पिता। आपका वचन कहता है जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा मेरे पिता, अपने वचन में कहा मेरे प्रभु। मेरे पिता हम सभी के पापों को क्षमा करें मेरे पिता, आप अपने लहू से शुद्ध करें पिता, आप अपने लहू से शुद्ध करें मेरे प्रभु, आपका लहू बहुत ही कीमती मेरे पिता, आपने अपना लहू बाकी हम सभी को मोल खरीद लिया पिता, पाप का बोझ गुनाहों का बोझ पिता, मेरे पिता इन सारे मानव जाति का पाप का बोझ पिता आप अपने ऊपर ले ली पिता, कलवरी क्रूस पर चढ़ गए, बलिदान हो गए पिता, आपने कहा है पिता ने माफ कर दिया, नहीं जानते क्या करें मेरे पिता। मेरे प्रभु अपने लहू से शुद्ध करें मेरे पिता, अपने लहू से शुद्ध करें, पाक साफ करें पिता परमेश्वर। प्रभु आप महान हैं मेरे पिता, आप दयालु हैं मेरे प्रभु, पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु आप अद्भुत मिराकल करने वाले परमेश्वर हैं पिता, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं पिता, पिता जो आप हर एक मनुष्य को देखते रहते हैं, स्वर्ग से देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, आपकी दृष्टि हर एक मनुष्य को देखती रहती है पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे पिता, जो लड़ाई झगड़ा नहीं बंद होता मेरे शमी, हम आपके नाम से आदेश देते पिता, आपके दास होने के नाते पिता, जो इनके जीवन में मेरे पिता जो लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे पिता, हम चाहते हैं मेरे प्रभु इनके जीवन से पिता वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, होली गुशवार यीशु मसीह के नाम से। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मेरे पिता, आपके नाम से लड़ाई झगड़ा बंद होने पाए पिता। मेरे प्रभु जो रात में नहीं सो पाते, जिनको डर लगता भय लगता, गंदे सपने खा लाते हैं, विचार आते हैं, नाइट फेल होता है मेरे प्रभु, मेरे पिता जब ये लेटे मेरे प्रभु तब नहीं सुख की नींद आने पाए मेरे पिता, कोई गंदा कोई डरावना सपना ना आने पाए मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझको सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से ना डरना मेरे प्रभु। आपने सब वचन के माध्यम से कहा मेरे प्रभु, मुझे आशा है विश्वास है पिता आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु, ये छोटी सी विनती हम आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।